अब जबरदस्त लग रहा है। तो हेलो गाइस एंड अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो में इसका पार्ट टू दिखाने वाला हूँ। पार्ट टू में कैसा मॉडिफिकेशन क्या होगा, आज को क्या क्या करेंगे ना करेंगे वो सब कुछ दिखाऊंगा। तो सबसे पहली बात बता दूं, अगर किसी को भी ये बाइक चाहिए, इस माने ऐसी टाइप की कोई बाइक चाहिए 2000-3000 में चाहिए, तो मुझसे कांटेक्ट करो, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको दिलवा दूंगा। तो इसको पहले मैं डबल स्टैंड कर लिया, तो अब इसकी मीटर को मैं निकाल लूँगा। तो पहले से ही मैंने इसको नट बोल्ट्स खोल दिया है, तो अब इसको निकाल लेंगे। तो दोस्तों देखो कुछ इस तरीके से ये निकल जाएगा दोस्तों। तो पहले निकाल के इसको नीचे रखेंगे, उसके बाद देखो इसका लुक बहुत ही अच्छा है। इसके बने मीटर में बहुत कुछ है, आरपीएम है, स्पीडोमीटर है, पावर मोर, बहुत कुछ इसमें सिम्बॉल्स विम्बॉल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब इसको क्या करने का है, फिर मैं पीछे से खोल लूँगा, तो किस तरीके से खोलूँगा वो सब कुछ मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसको खोल लेते हैं, तो इसके लिए एक स्पेशल टूल लगेगा क्योंकि ये अंदर से जंग लग गया है। तो मैं कोई ख़राबी नहीं चाहता हूँ, एकदम अच्छी तरीके से खोलने चाहता हूँ दोस्तों। तो ये प्लस वाला स्क्रू ड्राइवर का बिट लगेगा, तो कुछ इस तरीके से मैं फिट कर लूँगा, उसके बाद इसको खोल लूँगा। तो इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि इसको कैसे वर्किंग करेंगे, मैंने ये आरपीएम मीटर को कैसे वर्किंग करना है वो दिखाने वाला हूँ, और कैसे फिट करूँगा वो सब कुछ दिखाने वाला हूँ। मैंने मीटर मैंने सुजुकी समूह में कैसा लगेगा, ज़बरदस्त लगने वाला दोस्तों। तब तक के लिए पूरी वीडियो को देखते रहो, और बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ जानने को और बहुत कुछ देखने को मिलेगा दोस्तों इस वीडियो में। तो तब तक के लिए पूरी वीडियो पे बने रहे, और हाँ अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, तो बेल आइकॉन को भी दबा देना, जैसे कि और वीडियोस ऐसे आते रहेंगे और ज़बरदस्त वीडियो आते रहेंगे दोस्तों। तो कनेक्शन की बात बोल दूँ, तो वहाँ पे तीनों जो दिख रहे थे वो फ्यूल मीटर के थे। तो अभी मैं इसको खोल के भी दिखाने वाला हूँ अंदर में क्या है। ये तीन दिख रही है आप लोगों को, ये तीन फ्यूल मीटर के थे। तो फाइनली मैंने इसको खोल ली, और एक्स्ट्रा जो भी वायर था वो सब कुछ मैंने निकाल दिया, सिर्फ आरपीएम का वायर को रखा हूँ। ये ग्राउंड वाला देख सकते हो, ब्लैक वाला ग्राउंड है, और ये साइड वाला जो रेड एंड वाइट है, ये वाला पॉजिटिव माने प्लस जो कि बैटरी में देख सकते हो, और ये वाला जो आप देख रहे हो ये आपका एचटी कॉइल में जाएगा दोस्तों। तो चलिए आइए इसको फाइनली फिट कर लेते हैं। मैं कहाँ फिट करूँगा पहले चेक कर लूँगा इसको, क्या माने ये वो चीज़ वर्किंग है कि नहीं। तो मैं ग्लैमर में लगा के दिखाऊँगा, आप कोई भी गाड़ी में लगा सकते हो दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से होगा, तो पहले मैं इसको बना लेता हूँ। तो अब मैं आप लोगों को थोड़ा कंफर्म होने के लिए भी दिखा देता हूँ। ये देखिए देखिए लिखा हुआ है इग्निशन, लिखा हुआ है IGN, तो वो इग्निशन का वायर था। अभी ये दिखा रहा है सिग्नल, सिग्नल माने HT कॉइल का जो प्लस है उसमें जाएगा। तो देख सकते हो ये रेड एंड ब्लैक कलर का, आप लोग पता ही होगा कि रेड एंड ब्लैक HT कॉइल का ही होता है, और जो बचा हुआ है और एक ये है आपका पॉजिटिव माने माने बैटरी का जो प्लस साइन है उसमें जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो बिल्कुल ईजी है, घर पे आप लोग कर सकते हो, कोई भी गाड़ी में लगा सकते हो, या फिर अपने स्कूटी में लगा सकते हो, स्कूटर में लगा सकते हो, या फिर आपकी बाइक में बुलेट में भी लगा सकते हो दोस्तों। तो मैं आपको थोड़ा चला के दिखाता हूँ ये कैसा क्या होता ना होता। तो देखिए मैं इसको लगा चुका हूँ फाइनली, तो कनेक्शन भी थोड़ा दिखा देता हूँ मैंने क्या किया है। तो जैसा बोला था ब्लैक वाला जाएगा आपका न्यूट्रल पे माने माइनस, और प्लस वाला जो है ये प्लस में जाएगा, देख सकते हो आप लोग। ये देखिए मैंने ये प्लस वाला अंदर से घुसा के लेके आया था, आप लोग बाहर से भी कर सकते हो, मैंने तो ऐसे ही डेमो के लिए बनाया था ये वाला। तो देख सकते हो आप लोग प्लस वाला प्लस, माइनस वाला माइनस, और सिग्नल वाला HT कॉइल में जाएगा। देखिए ये सिग्नल वाला HT कॉइल में घुसा सकते हो आप लोग। तो अंदर जाके मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा टॉर्च भी ऑन कर लेता हूँ। देखिए अब दिखाई दे रहा आप लोगों को, कोई भी एक में आप लोग जोड़ दो तो ही चलेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों में ही सिग्नल पावर है, कोई ग्राउंड का चिंता नहीं है इसमें, सिर्फ सिग्नल में दे देंगे। अब गाड़ी को ऑन करेंगे दोस्तों, देख लो तो कुछ इस तरीके से आरपीएम मीटर काम करता है।
मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छी तरह से इसकी वायरिंग समझ ली होगी। तो अब मैं इसमें सुजुकी समुराई में फिट करूँगा, जो इसको मैं बना रहा हूँ कॉन्टिनेंटल जीटी में मॉडिफाई कर रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हो किस तरह से क्या क्या काम होता है ना होता है। आप लोग भी यहाँ से काम करवा सकते हो, मे विजिट टू माई वर्कशॉप। तो आप लोग विजिट कर सकते हो मेरे वर्कशॉप पे। तो अभी मैं घर पर काम कर रहा हूँ, तो अभी लॉकडाउन की वजह से गए वर्कशॉप बंद है। तो आप देख सकते हो कितनी मैंने बढ़िया लग रहा है। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि ये वाला लुक अच्छा लग रहा है कि या फिर डबल वाला है, मैंने डबल वाला मीटर मीटर लगाएंगे तो वो अच्छा लगेगा। तो आप लोग देख के बताओ, ठीक है? तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कौन सा अच्छा लग रहा है। तो आप लोग जो बोलोगे वैसा ही फिट करूँगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर किसी को आरपीएम मीटर लगवानी हो अपनी स्कूटी में, स्कूटर में या फिर बुलेट में, कोई भी गाड़ी हो जिसमें आरपीएम मीटर कंपनी से नहीं मिलता, तो मैं उसको लगवा के दूंगा एकदम। मैंने मेरे पास ये आरपीएम मीटर बिल्कुल ही अवेलेबल है, इजीली मिल जाएंगे ये। और इसका कनेक्शन तो आप लोगों ने देख लिया। अगर नहीं भी आता हो तो विजिट टू माई वर्कशॉप, आप मेरे से आके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। या फिर आपको कोई वायरिंग करवानी है गाड़ी की, कोई वायरिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं वो भी करके दूंगा दोस्तों। अगर आपको कोई बाइक मॉडिफाई करवानी हो तो वो भी हो जाएगा। अगर आपको हायाबुसा की रेप्लिका चाहिए या फिर कोई रेप्लिका मॉडल चाहिए जो आप बनवाना चाहते हो, या फिर कोई पुरानी बाइक है आपके पास उसको आप रिस्टोरेशन करवाना चाहते हो, वो भी हो जाएगा दोस्तों। तो कोई भी काम हो तो मुझसे कांटेक्ट करो। कमेंट बॉक्स में आप मेरे को नंबर दे सकते हो, मैं आपको व्हाट्सएप में पर्सनली कांटेक्ट कर लूँगा। तो या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दे रहा हूँ, तो आप लोग वहाँ पर जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो मुझसे, ठीक है? तो देखो मैंने दोनों कैसा लगाया था। तो अगर ये भी अच्छा लगा तो कमेंट करके बता सकते हो मेरे को, तो जो अच्छा लगेगा वही मैं लगाऊंगा। तो आप लोग देख सकते हो मेरे को तो लग रहा है एक ही अच्छा लग रहा था। तो आप लोग देख सकते हो इसको बनाएंगे कॉन्टिनेंटल जीटी टाइप का लुक देंगे। तो इसी नोट पे वीडियो करते हैं क्लोज। तो आप लोग देख सकते हो तो कितना बढ़िया लग रहा है, मेरे को तो हार्ले डेविडसन जैसा लुक लग रहा है उसका ऊपर वाला। तो अब मैं इसका हेडलाइट को भी थोड़ा मॉडिफाई करके इसको थोड़ा पीछे कर दूंगा, जैसे कि ये थोड़ा अंदर चले जाए और हार्ले डेविडसन जैसा लुक लगेगा सामने से। और वैसे तो ये कॉन्टिनेंटल जीटी टाइप का मैं बनाऊंगा, तो आप लोग देख सकते हो। तो इसी नोट पे करते हैं वीडियो क्लोज। तो बने रहिए मेरे चैनल पे और कमेंट सब्सक्राइब करते रहो मेरे चैनल को, और बेल आइकन दबा के ऑल कर लो जैसे कि मेरे वीडियोस आपको मिलती रहे।